हेलो एवरीवन, दिस इज समीर। जैसे कि आपको पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया था सारे स्टेट्स गवर्नमेंट को कि जो 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो रिजल्ट्स हैं वो 31 जुलाई तक का सारे स्टेट्स बोर्ड में डिक्लेयर हो जाना चाहिए। और काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपने 12th के बोर्ड्स रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड CBSE वालों ने भी अपना रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया। एंड अभी रही महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक का HSC का कोई रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया है। कोई एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी नहीं किया गया है कि आपके जो रिजल्ट है वो कब तक का मिल सकते हैं, कुछ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। और आपके जो रिजल्ट है वो क्यों डिले हो रहे, यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है आपकी रिजल्ट कब तक आने की, कब तक आप जो है रिजल्ट देख सकते हैं और आपके रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपकी MSTCT एग्जाम की जो डेट्स है वो ऑफिशियली कब तक अनाउंस होगी और आपके एडमिट कार्ड्स जो है वो कब तक आपको मिलेंगे, तो यही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HSC रिजल्ट आपके जो है क्यों डिले हो रहे हैं इस पे बात करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि कोकण रीजन में पिछले कई दिनों से, 7 से 8 दिनों से जो है काफ़ी ज़ोरदार बारिश हो रही है, काफ़ी जगह पे फ्लड्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे प्रोफेसर जो है अपने कॉलेज तक नहीं जा सके और अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है वो HSC को अपडेट्स देने रह गया, जिसकी वजह से आपके जो है HSC के रिजल्ट डिले हो रहे हैं। और न्यूज़ के मुताबिक हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके जो HSC के रिजल्ट है वो 2 अगस्त को आने वाले या पॉसिबिलिटी है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर ये कल भी पॉसिबल नहीं होता है तो आप जो है ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1st वीक ऑफ अगस्त तक आपके रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा हम डिले एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि 31 जुलाई के पहले ही जो है सारे स्टेट्स बोर्ड्स के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो हम जो है 1st वीक ऑफ अगस्त तक का डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 1st वीक ऑफ अगस्त तक आपको अपने HSC के रिजल्ट जो है देखने को मिलेंगे। और आपकी जो वेबसाइट है जिसपे आप अपने HSC के रिजल्ट देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने शेयर किया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे कि आपकी जो MSTCT की एग्ज़ाम डेट जो है वो कब तक ऑफिशियली अनाउंस हो सकती है। तो सबसे पहले हम थोड़े सारे एग्जाम के डेट्स को गो थ्रू करेंगे, उसके बाद जो है हम एक परफेक्ट एनालिसिस पे आएंगे और आपको एक ऑफिशियली डेट जो है कब तक का आपके जो एग्जाम जो है एक्सपेक्टेड, एनालिसिस करने के बाद एक एक्सपेक्टेड डेट जो है हम इस वीडियो में हम वो देखेंगे। तो सबसे पहला जो है आपका बिट साइड एग्जाम होने वाला है। बिट साइड एग्जाम जो है आपका 3rd अगस्त से लेकर 9th अगस्त तक जो है वो कंडक्ट होने वाला है। जो आता है आपका JEE का फोर्थ अटेम्प्ट भी जो है 26 अगस्त से लेके 3rd सितंबर तक का होने वाला है। अब ये दोनों एग्जाम के बीच में सिर्फ 15 डेज का गैप है, और सपोज हम मान भी लेते हैं कि इस 15 डेज में जो है MSTCT एग्जाम जो है कंडक्ट हो सकती है, लेकिन अभी तक का जो है हमें एडमिट कार्ड ही नहीं मिला है, तो इन 15 डेज में MSTCT एग्जाम जो है वो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। बिकॉज एडमिट कार्ड आने के बाद जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है कम से कम 10 to 15 डेज देते हैं कि आप जो है MSTCT के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो एंड सारा जो सेंटर है उसको एक बार जाके चेक करो। और आपका जो MSTCT एग्जाम जो है वो लगभग 15 to 20 डेज, लास्ट ईयर भी चला था, तो इसी भी इधर जो है 15 डेज का गैप है। 15 डेज के गैप में आपका इधर पहले तो आपका जो है बिट साइड एग्जाम है एंड देन आपका जो है JEE का फोर्थ अटेम्प्ट है। इन 15 डेज में आपका जो है MSTCT एग्जाम जो है पॉसिबल नहीं हो सकता। उसके बाद जो है आपका नीट एग्जाम, नीट एग्जाम जो है आपका 12 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है एंड उसके बाद जो है JEE एडवांस, JEE एडवांस जो है 3rd अक्टूबर। अब हम एक्सपेक्टेड एनालिसिस पे आते हैं कि आपके जो MSTCT की डेट्स जो है वो कब तक का हो सकती है, आपके MSTCT एग्जाम जो है वो कब तक का हो सकती है। तो देखो अभी जो है नीट एग्जाम जो है 12 सितंबर को कंडक्ट होने वाली है, JEE एडवांस जो है 3rd अक्टूबर को कंडक्ट होने वाली है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 20 डेज का है। इन दोनों के बीच में जो है कोई एग्जाम्स कंडक्ट नहीं होने वाले, और इधर ऑलरेडी MSTCT वालों को 1 महीना मिल चुका है अगस्त का, दैट पूरा अगस्त का 1 महीना मिल चुका है। उस अगस्त में जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अगस्त के लास्ट वीक तक या तो फिर 20 अगस्त के बाद जो है आपको जो है एडमिट कार्ड मिल सकता है। एडमिट कार्ड मिलने के बाद 15 डेज आप मान के चलो कि आपको जो है मिनिमम कम से कम 15 डेज मिल जाएंगे MSTCT एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने और सारा सेंटर वगैरह देखने के लिए। उसके बाद 15 डेज के बाद आपकी MSTCT एग्जाम जो है कंडक्ट हो सकती है। तो अभी जो है 3rd अक्टूबर और 12 सितंबर, इन दोनों के बीच में मोस्ट मोस्ट चांसेस है कि आपकी MSTCT एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो सकती है। यहाँ पे जो है लगभग 20 डेज दिया गया है, और इस साल शायद ये पॉसिबल है कि आपके जो सेंटर है वो काफी बढ़ा दिए गए, तो लास्ट ईयर जो है 20 डेज MSTCT वालों ने लिया था एग्जाम कंडक्ट करने के लिए, बट इस साल इतना डेज नहीं लेंगे, इतना एक्सटेंड नहीं करेंगे,
बिकॉज काफी सारे सेंटर एक्सटेंड हो चुके हैं ऑलरेडी, और इस हिसाब से जो है आपके 20 डेज का जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है 15 डेज में जो है खत्म कर सकते हैं वो। और आपकी जो टेंटेटिव डेज जो है वो 15th ऑफ सितंबर से लेके 30th सितंबर तक का पॉसिबल पॉसिबल है कि आपके एमएसटी सीटी एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। और इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 अगस्त तक का आपको जो है इसको ऑफिशियली अनाउंसमेंट मिल सकता है। बिकॉज अभी जो है काफी सारे एडमिशंस रुके हुए, अभी नॉन प्रोफेशनल सीईटी का सीईटी होने वाला है या नहीं ये भी डिसीजन रुका हुआ है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए जो है सारा डिसीजन लेना होता है सरकार को। तो अभी जो है सबसे पहले अब उन लोग नॉन प्रोफेशनल सीईटी के लिए क्या अरेंजमेंट हो सकता है उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड देखेंगे, देन आपका जो सीईटी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर सकते हैं जो कि है 20th ऑफ अगस्त। 20th ऑफ अगस्त तक जो है आपको एकदम फाइनल डेट्स मिल सकते हैं एमएसटी सीटी एग्जाम के। और रही बात आपकी प्रिपेरेशन की, हम लोग ने ऑलरेडी अगर आप पीसीएम ग्रुप से बिलोंग करते हो तो हम लोग ने ऑलरेडी पीसीएम के सारे इंपॉर्टेंट्स जो टॉपिक है हर एक चैप्टर से जो जो क्वेश्चंस एमएसटी सीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं सारा एकदम डीप एनालिसिस करके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके हम लोग ने 3 वीडियो बनाया है जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको जरूर चेकआउट करना। अगर आप वो 3 वीडियो देख के आप अपनी प्रिपेरेशन करते हो तो मैं फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि आप जो है 150 क्वेश्चन में से आप इजिली 100 क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि हमने काफी लास्ट 10 to 15 ईयर्स के जितने भी पेपर्स थे सारे के सारे एनालिसिस करके हमने वो वीडियो बनाया, और काफी सारे एक्सपीरियंस टीचर से बात करके हमने वो वीडियो बनाया। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो को जरूर देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब करना। अगर आपको हर एमएसटी सीटी से रिलेटेड और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमसे ज्वाइन हो सकते हो, और डेली आप जो है डेली अपना मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।